हाय फ्रेंड्स नमस्कार ओडिशा जॉब डिटेल्स यूट्यूब चैनल को प्रथमे आपण मानको स्वागत। फ्रेंड्स एक नोटिफिकेशन आसी स्टाफ सिलेक्शन ऑफ इंडिया तरफ तेज स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रे आपण मानको स्टेनोग्राफर रो ग्रेड सी एवं ग्रेड डी पदवी रे नियुक्ति मिलुची जहार ऑफिशियली अपडेट आपण मान पई ssc.nic.in जहाकि स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रो ऑफिशियली वेबसाइट अटे सेठारे उपलब्ध। तेबे एथिपाई जो पदवी रही ए पदवी पई ओडिशार समस्त प्रार्थी एलिजिबल उभय पुरुष एवं महिला एही फॉर्म को अप्लाई करि परिबे। बहुत सारा पदवी रही जोथपई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रही दरमा केते मिलुची बयसमा केते रही किपरि आवेदन करिबे कौन कौन वैकेंसी रही सब डिटेल्स आपण मन सहित शेयर करी एही वीडियो रे तेणुकर वीडियो को शेष जाए देखिबे। वीडियो टी भल लागिले दयाकर वीडियो टी को लाइक करिबे एवं ए वीडियो को निश्चित रूपे सांग मान सहित शेयर करिबे। जदि आपण माने हमर ई चैनल ओडिशा जॉब डिटेल्स को प्रथम थर कर विजिट करछंती दयाकर ओडिशा जॉब डिटेल्स को सब्सक्राइब करनेबे एवं पाखर से बेल आइकन को प्रेस करनेबे एई भली लेटेस्ट सब अपडेट सब प्रथमे पाइबा पई। तबे देखन फ्रेंड्स मु आपण मानको डिटेल्स रे कहि रखुची जो रिक्रूटमेंट आसी स्टाफ सिलेक्शन ऑफ इंडिया तरफ रु ताहा रहिची आपण मानकर स्टेनोग्राफर रो रिक्रूटमेंट लागि जोटा विषय डिटेल्स जन भी ध्यान दे देखी निपडेट टी आपण मान दस दस दुहजार कोड़े ऑफिशियली अनाउंसमेंट करा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ बहुत सारा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी पदवी से आपण मान निजुक्ति मिलू गवर्नमेंट जॉब अटे जदि आपति पाँच गवर्नमेंट तरफ निजुक्ति दि जाऊँगी। ऑल इंडिया कैटेगरी पिलामाने समस्ते यहाँ अप्लाई करिपरिबे ओडिशार समस्त पुरुष एवं महिला एथिपाई इलिजिबल। तेब प्रथम जाने रखु एथिपाई बयस सीमा कौन रही मिनिमम बयस सीमा 18 वर्ष रु आरंभ करी मैक्सिमम स्टेनोग्राफर ग्रेड सी पदवीपाई 30 वर्ष एवं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी पदवीपाई 27 वर्ष भितर होबा आवश्यक रही एथिपाई आपण मान 1/8/2020 सुधा आपण मान बयस सीमा होता आवश्यक रही। एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ईएक्सएसएम एक्स सर्विस मैन मानी बयस सीमा कोहल करश्चित रूपे पीडीएफ टी को ध्यान दे देखने एथिपाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जदि गोटे कैंडिडेट यहाँ आवेदन करुच्चे निश्चित रूपे प्लस टू बा ट्वेल्थ स्टैंडर्ड पास करते आवश्यक रही टाइपिंग नॉलेज जानते आवश्यक रही कंप्यूटर टाइपिंग करें इंग्लिश हिंदी ना स्टेनोग्राफर टाइपिंग करें इंग्लिश हिंदी ये दुईट लांगुएज मैंने टाइपिंग नॉलेज थी आवश्यक रही प्लस टू पास करेंगे एथिपाई आपण मैंने इलिजिबल हो पारे। जो पेमेंट रही फीस पेमेंट आपण मानी कह रखी 100 टंका लेखे एग्जाम फीस बाबदे आपण मान फीस पेमेंट कर एसबीआई चैनल नेट बैंकिंग यूजिंग भिसा मास्टरकार्ड मेस्ट्रो रूपा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ए मध्यम आपण मैंने करें। तेज एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन एवं एक्स सर्विस मैन मानी कौन सी एप्लीकेशन फीस ना से मागणारे फर्म को आवेदन करें। जॉब लोकेशन जदि आपण मानक निजुक्ति पाँच किुक्ति सिलेक्शन करल ओवर इंडिया जेको स्थान में आपण मानक निजुक्ति दि जाए जो एग्जाम सेन्टर रही ओडिशार प्रति मानी कह रखी ओडिशार विभिन्न जगार एग्जाम सेन्टर रही भुवनेश्वर कटक टू आरंभ कर बालेश्वर संबलपुर एग्जाम सेन्टर रखाई आपण मैंने अनलाइन मध्यम आप्लाय करेंगे। यार आवेदन प्रक्रिया 10/10/2020 आरंभ हो सारी जहाँकि 4/11/2020 पर्यंत ऑनलाइन माध्यम चालू रपण मैंने 10/10/2020 यानी कि एबेठारु ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तेज फ्रेंड्स मुझे पुणी कही रखी लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट आपण मैंने जो पैसा डिपोजिट करेंगे तार शेष तारीख रही ऑनलाइन जदि करार शेष तारीख रही 6/11/2020 ऑफलाइन रे जदि चालन जेनरेट कर 8/11/2020 रही तार शेष तारीख एवं आपण मानी कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जामिनेशन जोटा कि आपण मैंने कंप्यूटर में देते प्रथम सीबीटी टेस्ट ताहा आपण मानकर 29 रु आरंभ करके 31/3/2021 सूचना दि जाएगी। आपण मान पूरा डिटेल इनफर्मेसन पीडीएफ रही पीडीएफ लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन दे रखी
ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉ ବା କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହି ରଖିବି, ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବନି ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିନେବେ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଣା ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି SSC ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ID ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଯାହାକି SSC ତରଫରୁ ରହିଛି ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଠାରେ ଦେଇ ରଖିଛି, ଆପଣମାନେ ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.freejobera.com ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଡିଟେଲ୍ସର ଅଫିସିଆଲି ୱେବ୍ପେଜ୍ ଅଟେ, ଆପଣମାନେ ସେଟାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟେଡ଼, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ରିଲେଟେଡ଼ ଜବ୍ ସବୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍। ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଅପଡେଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି, ପୁଣି ଆସି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ନେଇ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।